सिकटा प्रखंड के गोपालपुर थाने के ढकाई गांव में आज कब्रिस्तान में शव ले जाने का रास्ता नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश, जिसमें ग्रामीणों ने भला गड़ास तलवार का लाठी फटा निकाल कर एक दूसरे को मारने का तैयार हो गए, जिसमें सूचना मिलते ही सीओ मनीष कुमार, थाना प्रभारी राजरूप राय, बलथर थाना के जमादार लक्ष्मी नारायण और कुमारबाग के ओपी, थाना प्रभारी राजन पासवान, छोटा बाबू देव शरण महतो अपने दल बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि पहले का जो रास्ता था, पहले के नक्शे में आता था, उस रास्ते पर अवदेश गदी, एक राम गदी, रोजा गदी ने रास्ते को घेर कर रखा और उस पर अपना पक्का मकान बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उस रास्ते को अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे हमें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके पहले वह रास्ता सीओ मनीष कुमार, थाना प्रभारी राजरूप राय ने मिलकर रास्ते को नक्शे के हिसाब से निकाला गया था। पूरे ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी और सीओ साहब से गुजारिश है कि कब्रिस्तान का रास्ते पर जो अतिक्रमण को हटाया जाए, और थाना प्रभारी ने अतिक्रमण हटाने का और रास्ते को दिलवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये भी कहा है कि नवंबर की 30 तारीख तक समय दिया गया है कि जल्द ही कार्रवाई किया जाए, जिसमें मृतिका महिला है, जिसका लालमती खातून, उम्र 60 वर्ष, पति अमरगदी। R9 भारत समय अनुमंडल ब्यूरो अवधेश गिरी। अभी मैं पहुंचा हूं सिकटा प्रखंड के सरगढ़िया पंचायत, सरगढ़िया डकही गांव में। यहां पे कुछ मैयत जो लाश को दफनाने के लिए महमदन जाति में मिट्टी देने के लिए जाता है लोग, जिसको लेकर रास्ता के लेकर विवाद हुआ है। यहाँ सिकटा के CO भी पहुँचे हुए हैं, यहाँ गोपालपुर थाना प्रभारी भी पहुँचे हुए हैं और कुछ ग्रामीण। हम बात करते हैं आखिर हुआ क्या है और कैसे हुआ है। चाचा क्या नाम पड़ी राहुल? हमारा मुस्लिम। अच्छा क्या हुआ, क्या रास्ता के लेकर क्या मैटर है आप लोग? हमारा पुरानका रास्ता चाहिए, मैयत हमने के नहीं खोलोगे जाएंगे। अच्छा चलिए कुछ लोग और हैं, बात करना चाहते हैं, बोलिए। सर सुनिए, हमारा पुराना राह चाहिए, ये हमारा चाहते नया राह निकाल के छेक दबाव से। अच्छा मतलब ये नया पुराना जो आप लोग का रास्ता था, जो मैयत आप लोग का जाता था, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है, जिसको छेक लिया गया, घर बन गया, यही बात है ना? जी। क्या बात है? बात है जो 3 साल पहले से रास्ता रोक लिया है, हम लोग को मैयत ले जाने में हम लोग को रोक रहा है, रास्ता हम लोग को कहीं जाने का नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ CO साहब पहुँचे हुए हैं, थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं और पूरा दल बल के साथ प्रशासन यहाँ आया हुआ है, और आप लोग के कहना कथना अनुसार कि आप लोग जो पुराना रोड है उसको छेक लिया गया। हाँ पुराना रास्ता हम लोग को चाहिए। दो माह पहले एक आदमी का मौत हुआ था, वहाँ का बड़ा बहू किसी रास्ते से ले दिया और फिर बोला 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद हम 10 दिन के बाद हम रास्ता निकलवा देंगे। आज तक हम लोग का कोई निर्देश लेकर बड़ा बाबू के पास में गया तो बड़ा बाबू बोले कि जाइए यहाँ से, भागो यहाँ से, हमारा ये कोई काम नहीं है, CO साहब के पास जाओ। CO साहब के जाने के पास गए हम लोग तो वहाँ पे वो CO साहब मौजूद नहीं पाए गए। पता लगा कि जो गोपालपुर थाना में गए हैं, अब कहाँ गए हैं वो CO साहब जानते हैं, बड़ा बाबू जानते हैं। आज तक पहली दूसरी बारी आ चुके हैं और फिर भी आज भी रास्ता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि जो यहाँ बाहर से करीब सिरे मतलब उसे बोलते हैं, जो कि बाहर का गाँव से बाहर का जमीन जो है वो पुराना रास्ता छोड़ के नया रास्ता पर जाओ, अपना मैयत को मिट्टी दे दो और उसके बाद में एक महीना के लिए क्लियर कर रहे हैं। 10 दिन का टाइम दिए थे, 10 दिन में हम क्लियर रास्ता कर देंगे। जब तक क्लियर रास्ता नहीं होगा, जब तक यहाँ हम कोई काम नहीं करने देंगे, खुला ही रहेगा। हम लोग सुबह ही होते ही दवाल गिरा गया, उसमें कोई बड़ा देखिए सुनाई नहीं किए। हर समस्या, हर गाँव में ये समस्या पाई जा रही है, मैयत को लेकर कुछ लोगों द्वारा रोक लिया जाता है। और एक बात बता सकते हैं कि जो ये रास्ता रोका हो उसका क्या नाम पड़ेगा? एकराम गद्दी, अवधेश गद्दी। मतलब ये दो आदमी ही रास्ता रोक दिए हैं? जी, उसी कारण रास्ता रुका जी, दोनों का विवाद है, वो अपना में और जिस समय वो घरवा रहे थे, हम खुद SP साहब के पास, DSP साहब के पास फोन किए हुए थे, बड़ा बाबू हमसे पूछे कि उन लोगों का वो अपना मैटर है तो तू क्या, मैंने SP साहब के पास फोन किए थे तो हम कहे कि देखिए कब्रिस्तान के रास्ता घिरा रहा है तो आप उस पर आकर देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि वो हमारा काम नहीं, हम नहीं आएंगे। तो हम कहे ठीक है, जब नहीं आइएगा तो बात ख़त्म कीजिए। दोबारा फिर हम SDPO साहब के पास फ़ोन किए, SDPO साहब कहे कि हम फोन कर रहे हैं, अब वो किए कि नहीं किए अब वो जाने। ठीक है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि गोपालपुर थाना के बड़ा बाबू राजरूप राय जो है कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम ही मैसेज को पुगाना चाहते हैं बड़ी अधिकारी को, इनको सस्पेंड किया जाए इस मामला में। चलिए मैंने ग्रामीण का ये बात सुना, अब मैं CO साहब से बात करता हूं और इस मैटर में CO साहब क्या कहते हैं। सहयोगी रिपोर्टर प्रदीप पटेल के साथ अवधेश गिरी की रिपोर्ट। आज ये दौर चल रहा है पश्चिम चंपारण
बिहार में कि मैयत ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। फिर भी यहाँ कुछ ग्रामीण है दबंगों के द्वारा रास्ता छेक लिया गया, यही ना बात भाई दबंग। पहले वो पूर्वजों से सदियों से वो रास्ता चला आ रहा है जहाँ महमदन जाति के जो है उनका मैयत जाता था, मिट्टी भी दिलाता था, और आज वो नहीं चल रहा। फिर भी क्या बोले, एक आदमी कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते, थोड़ा बोलना चाहते हैं। इनसे पहले डेढ़ महीना पहले, हाँ सुनिए ना, डेढ़ महीना पहले हमार मातारी रही तो मर रही, तो पहरा रहे तो बड़ा बहनी तो माटी पर गई, आ 2 लाख रुपया लेके बड़ा बाबू आ सीओ साहब बैठ के आ बन करके जौन रास्ता लोग पर छत बनवा के आए बार फिर दोसर मैयत भैल बा तू कहते लोग का तो सिरे माए ले जाके रुबा लगी माटी दी लगी। अच्छा अभी जो आप बहुत बड़ा थाना प्रभारी है और अंचल अधिकारी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 2 लाख रुपया लेकर, क्या इसका क्या साक्ष्य आपके पास है? इसका छाप हमारा यही पास है, जब पहला रास्ता वहाँ पर था, पहले तो हमारा रास्ता था इस टाइम, जब पहले पैसा लेकर वो रास्ता वहाँ पे दरखास्त भी हम लोग लगाए हैं तो अभी भी वहाँ कार्रवाई नहीं हुआ है, पैसा लेकर बैठ कर दोनों आदमी खा कर बैठ गया है। देखिए बड़ा बाबू से हम दरखास्त लेकर गए बड़ा बाबू के पास, देख लीजिए आप खुद, तो वो इसको स्वीकार नहीं किए, बेच दिए, बोले सीओ के पास जाइए, जबकि सीओ साहब बोल रहे थे कि जाइए आप वहाँ पे डकई में, ये पैसा लिए थे तभी तो नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे मैं नहीं जाऊँगा डकई में, मेरा काम नहीं है, वो सीओ के पास जाइए, सीओ के पास गए तो सीओ साहब शाम 8 बजे तक नहीं आए सिक्टा में, आके थाना पे पैसा ले लिए, इनसे माइनस हो गए, ये दरखास्त देख लीजिए, ये थाना अधिकारी का है और ये सीओ साहब के, दोनों को दोनों कोई एक्सेप्ट नहीं किया, जिस जगह पर घर बन रहा था उस पर नापी पास है तो आप नहीं रोक सकते अधिकारी है, तो जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता है तब तक रोकना चाहिए उसको, इसमें कोई रोकाई नहीं है, देख लीजिए आप ही पढ़ लीजिए, देखिए सर। देखिए ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी को हमने आवेदन दिया, थाना प्रभारी हम लोग आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए। R9 भारत के लिए अवधेश गिरी की रिपोर्ट, नरकटियागंज से।